जो अनाउंसर था, एंकर था, उसने बोला कि सर्वपल्ली राधा कृष्ण का पाठते हैं, इसीलिए इसी को मनाया जाए। तो इफ वी एक्सेप्ट इट, तो हम लोग एक बात डिनाई कर जाएंगे कि इसमें राधा कृष्ण का कंट्रीब्यूशन क्या था। कंट्रीब्यूशन ये था बेसिकली राधा कृष्ण वाज ए टीचर एंड सम ऑफ हिज स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड हिम दैट दे विल गो, दे वांट टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। राधा कृष्ण रिप्लाइड दैट डू नॉट सेलिब्रेट माय बर्थडे, यू सेलिब्रेट इट एज टीचर डे, दे आर लाइक द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डे एंड the importance of Radha Krishna's philosophy towards the teaching community. उसने ये नहीं बोला कि हाँ भाई ठीक है मेरा बर्थडे मना, उसने ये बोला कि मेरे बर्थडे मत मना, मेरे बर्थडे को टीचर्स डे मना। So this was how he respected the teaching community as a whole and he respected himself. तो मैंने 35 साल जिंदगी के टीचिंग में गुजारा, रफली 35 इयर्स, एंड इफ आई टेक इट अकाउंट दिस ईयर विद 36 इयर्स, आई एक्नोलेज दैट थ्रू आउट माई लाइफ आई डिड नॉट फील दैट आई वॉज ए टीचर एज आई एम फीलिंग। पहली बार मुझे महसूस हो रहा है कि मैं एक टीचर हूँ, ऐसे अच्छा टीचर्स डे का अरेंजमेंट मैंने किसी कॉलेज में नहीं देखा। थैंक यू ऑल। देखो भाई टीचर्स का काम क्या होता है, ये पूरा पर्सनल की बात, नेक्स्ट जेनरेशन बनाना, भारत का सुनागरिक बनाना, लेकिन एज ए टीचर आई ओनली प्ले टू गॉड, मानुष हो, बी ए परफेक्ट ह्यूमन बींग, इफ यू आर ए परफेक्ट मैन यू विल बी ए गुड सिटीजन, इफ यू आर ए परफेक्ट मैन यू विल बी ए गुड स्टूडेंट, इफ यू आर ए परफेक्ट मैन you will be of some use to the society, for the society. तो भगवान के पास मेरा ये प्रार्थना है कि आप लोग अच्छे इंसान बनो। अच्छे इंसान बनने से काम बन जाएगा, अच्छे सुनागरिक बनने का जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट काम कि एक टीचर के साथ एक स्टूडेंट का रिलेशन क्या होना चाहिए। तो भारत की जो परंपरा है, भारत की जो इतिहास है, ये बताता है हम लोग हिमालय के गोद में ही रहते हैं, इसीलिए स्टार्ट फ्रॉम हिमालय। देखिए हिमालय वो भैया भी है, वो उधर का है ना, उधर का सबसे वो भैया भी है, ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा पावरफुल है, खिड़की का, हाँ खिड़की का भी ज्यादा दो, तो खिड़की का लगा रहा बोला, अरे वो मैं ज्यादा पावरफुल बोला तो, अरे खिड़की के पास है ना, उसको भी दे दो, मैं ज्यादा पावरफुल, तो सुन को ज्यादा पावर देने शुरू कर दिया, आप पढ़ाना शुरू किया और हिमालय ज्यादा पढ़ने पढ़ना शुरू किया। तो एक टाइम आया जब ये भी जो पावर सूर्य से जो पावर बढ़ाता है क्या है, इतने गर्म रहे जीवन से हमारे पास सुविधा है, मैंने वो काम चल चला, तो ये भी वो सब इंक्रीजिंग व्हाट टू हैपन आवर लाइफ इज गुड वेल। तो एक टीचिंग वॉज अबाउट टू बी वेरी ड्राई एंड द सिचुएशन वॉज रियली अमेजिंग, और हिमालय ये भी पढ़ता जा रहा था,
एक टाइम आएगा कि वो सूर्य को काटेगा, पूरा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। नेचुरली क्या होगा, जो सृष्टि है वो किसी भी है ये ध्वंस हो जाएगा। तब सब लोग अगस्त मुनि के पास गए कि इसको समाधान निकालो। तो अगस्त मुनि यात्रा शुरू किया, उसका नाम अगस्त यात्रा कहता है हिंदू शास्त्र में अगस्त यात्रा। तो जब हिमालय ने देखा कि गुरु आ रहा है तो उसने क्या किया, तो नमस्ते का मतलब क्या है, सर झुकाना है। यही चांस अगस्त मुनि ने लिया कि बच्चा ऐसे ही रो, हम आते हैं, हम जब तक ना लौटे तुम ऐसे ही रो। इसीलिए हिमालय का जो सर है थोड़ा बेंट है, बेंट होने के कारण वो और बन नहीं सकता और सृष्टि बच गया। तो अगस्त मुनि चला गया, बट ही नेवर केम बैक। व्हाई ही डिडंट केम बैक, टू सेव अस, टू सेव दिस वर्ल्ड एंड हिमालय ओबेड हिम। दिस शुड बी द रिएक्शन बिटवीन द टीचर एंड द गॉड, कि शिक्षक जो कहे, टीचर जो कहे वो मानना विदाउट एनी क्वेश्चन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट। तो हमारा जो परंपरा है, जो संस्कृति है, ये कहता है कि टीचर जो बोले बाबा वो सुनो, क्योंकि टीचर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, टीचर तुम्हारा पिता समान है, तुम्हारा माता समान है, तुम्हारा वालिद है, तुम्हारा गार्जियन है। इसीलिए हम लोग जो बोलते हैं उन्हें सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही हमारे परंपरा है। दूसरा, तो टीचर पर कुछ बोलने से क्या करना चाहिए, ये भी हमारा परंपरा में निर्दिष्ट है। इट इज डेफिनेटली मेंशन इन बेंगोली, दोज हु आर फ्रॉम बेंगोली भाषा, इफ देयर बी एनी। एक तो कविता था, आरुणी नामे जो शिष्य छिल एक, द फैक्ट वाज समथिंग लाइक दैट, ये आरुणी को जो गुरु था वो किसी का कल्टीवेशन करता था, तो जमीन में लैंड में पानी नहीं होने से क्या होता है, पानी अगर निकल जाए तो क्या होता है, तो सूखा पड़ जाएगा। तो बोला गुरु, बोला कि आरुणी जाओ, वो जो हाल है जमीन का जो हाल है वो थोड़ा काट के है, उसको थोड़ा माटी दे के बंद करके आओ। आरुणी गया, लेकिन पानी का जो फोर्स था इतना ज्यादा फोर्स था, वो बांधे माटी देता था, पानी से निकल जाता था। अगर गुरु कहा कि पानी को रोको, उसे रोकना चाहिए, माटी देता है पानी निकल जाता है। आरुणी उसमें सो गया, बॉडी ऐसे करके सो गया, तो वो खुद माल बन गया। तो गुरु बोला कि आरुणी कहाँ है, वही नहीं आरुणी, आरुणी कहाँ गया। तो गुरु आके देखता है कि आरुणी माल के ऊपर सोया हुआ है, वह गाइड ऑफ द वॉटर टू सेव द वाटर फ्लोर सो दैट इट डजंट कम आउट फ्रॉम द कल्टिवेटेड लैंड। गुरु के साथ शिष्यों का रिलेशन ऐसा होना चाहिए। हम लोग का जो भारतीय परंपरा है, इंडियन हेरिटेज है, हम लोग एक लव्य का कहानी सभी जानते हैं। गुरु ने कहा कि भाई को काट दो, काट दिया। तो भारतीय संस्कृति में गुरु के साथ शिष्य का यही संबंध है। এটা বললে কেন বললেন, আসক কোশ্চেন, হোয়াই ইউ মাস্ট রেইজ কোশ্চেন স্পিকিং ইন তিন ল্যাঙ্গুয়েজ এলসওয়্যার ইন দ্য ক্লাস, হোয়াই দিস ইজ নট, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये पूछने के लिए आप लोग को थोड़ा अवसर मिलता है। वो कहाँ है, क्लास के मैदान में आप पूछिए, लेकिन क्लास के बाहर जो जिंदगी का मैदान होता है वहाँ हम लोग जो टीचर हैं वो बड़े खिलाड़ी हैं बाबा। आप आज देख रहे हो तो हम एक साल बाद क्या होने वाला है वो देखते हैं, इसीलिए हम नेक्स्ट कि व्हाट इज आवर मैसेज, हम लोग का मैसेज क्या है। यानी प्रथम द्वितीय एक उपन्यास था,
उसका लेखक था अलेक्जेंडर सज्जन सिंह, रूस का लेखक था। इस नोबेल ने, इस नोबेल ने नोबेल प्राइज जीता, नोबेल प्राइज समझते हो लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला। आज जो अलेक्जेंडर सज्जन सिंह जब उसको नोबेल प्राइज मिला इस उपन्यास के लिए, इस उपन्यास के लिखने के बाद रूस के तत्कालीन जो डेप्यूटी सेक्रेटरी था उसने एक छोटा सा ऑर्डर दिया, ऑर्डर किया था